आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के बाद मची चीख पुकार, शव पर चढ़कर निकल रहे लोग। हम सभी गहरी नींद में थे जब नाले में गिरने से पहले बस में दो बार भयानक झटके लगे। लगभग एक मिनट तक चीखें सुनाई गई, उसके बाद वहां सन्नाटा हो गया। कुछ यात्री बस से बाहर निकलने के लिए शवों पर चढ़ गए। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई बस दुर्घटना में बचे ऋषि यादव ने यह बात बताई है। सोमवार को हुए इस बस हादसे में लगभग 30 लोग मारे गए थे। बाराबंकी में रहने वाले यादव का फिलहाल आगरा के श्री कृष्ण अस्पताल में इलाज चल रहा है। 53 यात्रियों के साथ डबल डेकर बस लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी, जब यह एक डिवाइडर से टकरा कर यमुना एक्सप्रेसवे पर दो फ्लाईओवर के बीच 40 फीट गहरे खाई में गिर गई। यह दुर्घटना यमुना एक्सप्रेसवे के 161 माइलस्टोन के पास सोमवार सुबह 4 बजे हुई। यह क्षेत्र इदमपुर पुलिस थाने के तहत आता है। आगरा के जिला मजिस्ट्रेट रवि ने कहा कि बस तेज गति से चल रही थी और चालक सो रहा था। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।